इसी बिल्डिंग में अपना 14 फ्लोर पे मेरा घर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाइना में जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो कितना कमाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। थैंक यू सो मच। ओके, शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम रवि भारद्वाज है, मैं योगा टीचर हूं और पिछले 5 सालों से चाइना में योगा टीचर हूं।你好，你好，我是二四乘客吗？对，我是二四，是我。嗯，好。对。哇，好帅。车必须佩戴口罩，平台建议乘客后排落座。接到尾号5424的乘客，现在去万科城17送该乘客。万科城17，说犯电信诈骗，这个能玩上？哎，滴滴公司与长春市公安局反诈中心温馨提醒：如遇电信诈骗可疑情形，请拨打反电诈专线96110咨询。如不慎被骗，请拨打110报警。还能骗吗？不能骗吧。直行通过当前红绿灯，200米是过高发，请。你们整天开车吗？对，早上几点开始？3:30吧。3:30起开始开车。对。进入生态东。然后呢？晚上几点结束？将近3点就收车了。三点。就是12个小时。嗯，是不是？对。这车是你自己的吗？不是，租的，给别人开。啊，那一天要给他们多少钱？我的车现在交70。啊，70。嗯。300米处有违章拍照。我之前问了一个，他说100。啊，跟车新旧有关系。哦，是这样。啊，二一个就是说的，咱俩合作的长短有关。这车我交的少，不我多挣吗？对，就咱俩合作时间长了，就是一看人都不错，就不多要。不多要。OK OK。就是说白了，就是我给人打工，老板多给我点儿。啊。就是只能说啥呢？找一个好的员工不容易。对对。多给点儿。啊，对，你说的对，太对了，太对了。那你们一就这意思，一个月正常一般都是，80-90，好车，好车就100，好车就100，对，新车。那你们一个月大概能挣多少钱？5000多块钱，5000多一点。嗯，请注意礼让行人。5000多，他好辛苦了，12个小时。前方红绿灯，我们到这个红绿灯左转，请走最左侧车道，请减速。12个小时，中午反正也午休。啊，也有午休。对，自己这玩意儿说的，你自己怎么干？怎么干？你要是说的。一直就干，那可能被挣六，多干就多挣呗，挣6000多呗，对，6000多也可以。就是说的，就中午可以休，吃口饭你就干活了。那吃饭不应该的吗？吃饭肯定有的，就是买个卷饼了，就到这吃碗面条，完接着就干活呗，就着急一直在吃。对，走哪吃到哪呗。哦，比如送完你了，一看我现在饿了，嗯，这吃饭呗，那就不吃。一看，哎，对，一看这有面条，嗯。或者赶着没有地方了，上超市买俩面包。嗯，那你在哪吃？再回家吃。我天天回家吃，我也天天回家吃。最好身体最重要。对，看我回来了呀！我现在就要回家吃饭，真的。我受不了，真的。我跟老板也都说好，谢谢啊，谢谢。不客气，再见啊。啊，再见。再见。非常祝你在中国生活愉快啊！谢，再见。再见。嗯，最好美好的一天。好的。So friends, तो मैंने आज आपको दिखाया कि चाइना के टैक्सी ड्राइवर जो हैं कितना कमाते हैं। तो भाई ये कमाते हैं, आराम से अगर काम करेंगे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करेंगे तो ये 50-60,000 रुपीज़ कमा लेते हैं। और अगर ये बता रहे थे अभी टैक्सी ड्राइवर, इनकी एज थोड़ी ज़्यादा है और यंग लड़के जो हैं थोड़ा खाने पीने पर ज़्यादा परहेज नहीं करते हैं, और ज़्यादा जैसे लंच ब्रेकफास्ट हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, ऐसा करते हैं तो ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं तो 1-1.5 लाख तक वो लोग कमा लेते हैं आराम से।
तो आज का जो एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी अच्छा रहा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर, छोटी सिटी के मैं बता दूं, जैसे इतनी छोटी तो नहीं है सिटी, है काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है, परंतु फिर भी शंघाई और बीजिंग से तो छोटी है ये छांगचुन। यहाँ पे लोग जो है 60,000 से 1.5 लाख रुपए जो है आराम से ये टैक्सी वाले कमा लेते हैं। और टैक्सी जो है किराए पे ये लोग लेते हैं, जिसका कि एक दिन का आपको जो है देना पड़ता है 700 रुपीज़, 70 युआन, 80 युआन, 100 युआन। अगर जो कार है वो बिल्कुल नई है तो आपको जो है 100 युआन, मतलब 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। टैक्सी की जो रिपेयर है, टायर है, वो सब कुछ कंपनी का होगा, और बाकी जो सिर्फ तेल डालना है ये इनका है, अपना तेल डालना है सिर्फ आपने 1,000 रुपये जो है पर दिन का देना है, अगर अच्छी गाड़ी है, नई गाड़ी। पर मोस्टली ये बता रहे थे कि जो गाड़ी का ओनर होता है वो जैसे 70-80 युआन में आपको गाड़ी मिल जाती है, दे देता है। पर अगर कोई नई गाड़ी अभी मार्केट में आई, अभी जस्ट आई है, तो भैया वो तो 100 रुपीज़ RMB लेगा आपसे, मतलब 1,000 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोरोना के टाइम पे जो है काम धंधे चले गए, तो और जब भी फ्री होते हैं तो आप टैक्सी चला सकते हो, आपकी आपकी मर्जी है। आपको 12 घंटे के लिए गाड़ी मिलती है, आप 12 घंटे कभी भी चला सकते हैं, सुबह 9 बजे तक से शाम 9 बजे तक। आपके साथ दो पार्टनर, मतलब एक और पार्टनर आपको रखना पड़ेगा, दो लोग गाड़ी चलाते हैं, 12-12 घंटे के लिए किराए पे मिलती है। तो वो जो ऑनर है वो भी काफ़ी कमा रहे हैं गाड़ी से, और ये जो लोग हैं इनको देखो यार, बहुत अच्छा दिमाग ये कंपनी ने लगाया है। अपनी गाड़ियाँ ये लोग दे रहे हैं और आपने सिर्फ किराए पर किराया देना बस दिन का, ये बड़ा अच्छा प्लानिंग है मेरे हिसाब से, और बहुत अच्छा है। इनके जो युवा हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं काम में, और जो इनके ओल्ड हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है वो भी इस काम में लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा टैक्सियाँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पे बुक करने के लिए हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसी आपको वीडियो लगी, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप जो है बीच बीच में जो है लाइक का बटन भी दबा देना है, ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो देखना है। भाई को सपोर्ट करते हो तो लाइक भी किया करो और वीडियो को शेयर भी किया करो। बट मैं फ्रेंड्स एक बात और बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे फॉरनर्स टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकता है। फॉरनर्स के लिए उसको जो है टैक्सी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज लोगों का जो नॉर्मल लाइसेंस है वो भी टैक्सी नहीं चला पाएगा, उसके लिए इनके लिए पास थोड़ा स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है जो कि फॉरनर्स पूरी नहीं कर पाते हैं। और फॉरनर हम इंडियन लोग जैसे जाते हैं दुबई में या फिर दूसरे देशों में, बांग्लादेश में या किसी भी देश में, दूसरी देश में अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं। सो फ्रेंड्स, चाइना में ऐसा नहीं है, आपको ड्राइविंग की जॉब यहाँ पे नहीं मिलेगी, आप ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकते। और भी बड़ी दिक्कत है यार, लैंग्वेज का इशू हो जाएगा, मेन तो वही है। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ अपनी बिल्डिंग के नीचे, इसी बिल्डिंग में अपना 14th floor पे मेरा घर है, और मैं अभी लंच के लिए घर आया हूँ। तो सोचा यार ये टैक्सी वाले से बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि रवि भाई बताओ कि चाइना में जो टैक्सी ड्राइवर को कितना पैसा मिलता है, तो भाई बहुत पैसा मिलता है यार, जितना भगाओ गाड़ी उतना पैसा आप कमा पाओगे यहाँ पे। हेलो, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि चाइना के टैक्सी ड्राइवर कितना कमाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना है। थैंक यू सो मच। राम राम जी, नमस्ते।